नमस्कार नमस्कार भाइयों, जय माता दी। नाउ टुडे आज हम कोविड के बारे में बात करेंगे। सो कोविड के लिए सबसे पहले 10 थिंग यू कैन डू मैनेज कोविड-19 एट होम, सो दिस इज द टॉपिक टुडे। तो दोस्तों, मैं आपका वेल विशर संजीव रात्रा। जय माता दी। माता रानी आप सबके परिवार में सबको स्वस्थ रखे, किसी को कोविड ना हो। अगर हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोविड को आराम से क्योर किया जा सकता है। और जिनको कोविड नहीं है वो भी कृपया, जो मैं इसमें कुछ आपको सेशन में बताऊंगा, उन चीज़ों को कृपया उनका इस्तेमाल करें, तो उनको कभी आने वाले समय में कभी भी कोविड नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले संजीव रात्रा आपसे शुरू करता हूँ अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी, कि मैं अभी अभी कोविड-19 से कैसे बाहर आया। केवल मात्र 4 दिन मेरी इसकी फाइटिंग रही कोविड-19 के साथ में, एंड मैं कोविड-19 से बाहर आ गया। तो मैं कैसे बाहर आया, क्यों आया और मैंने क्या क्या किया, तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल एंड एवरीथिंग अराउंड। मोर देन 70 और 80 कॉल्स आई रिसीव राइट नाउ, जो मैं सबको बता बता थक गया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बात फ्लैश कर दूं कि यस, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मैंने रिकवर किया। और आप लोग अपने घर के अंदर में सबको कैसे आप रिकवर करवा सकते हो, क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो घर की छोटी छोटी चीजें हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमको कोविड हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कोविड है, करोना है, हमें इस बात का कैसे पता चलेगा। सबसे पहली चीज है, आपको हल्का हल्का फीवर होना शुरू हो जाएगा या हाई फीवर होना शुरू हो जाएगा, तो पहला इंडिकेशन आपका ये होता है। दूसरा होता है इचिंग, गले के अंदर में आपको इचिंग होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा होता है बॉडी की अंदर पेन, आपको बॉडी के अंदर पेन होनी शुरू हो जाएगी, हल्की हल्की दर्द होगी या ज्यादा पेन होगी। तो इसके अलावा आपको ड्राई कफ होना शुरू हो जाएगा और कोल्ड होना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का कोल्ड होगा, इतना हाई कोल्ड नहीं होता। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। लेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो जाएगा, आपका जो लॉस है वो स्मेल और टेस्ट का बिल्कुल आपको लॉस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा स्मेल कैसी है और टेस्ट कैसा है, खाने का कैसा आ रहा है। स्टमक में आपको पेन होनी शुरू हो जाती है। तो दीज आर द सिम्टम्स दोस्तों, अगर ये सिम्टम्स आपको हैं तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज आपके आसपास जो भी कोरोना का सेंटर है वहां पर जाके आप सबसे पहले प्लीज अपना एक टेस्ट कर जरूर करो करवा लें, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपको कोरोना का टेस्ट है। और अपने पास एक आरोग्य सेतु एक ऐड है, वो जरूर अपने मोबाइल के अंदर में डाउनलोड कर लें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दी हुई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब हम आते हैं कि हमें क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें एलोपैथिक मेडिसिन से शुरू करना चाहिए, बिकॉज एलोपैथिक मेडिसिन है जो हमको इमीडिएटली आराम देती है। तो डोलो 650 पैरासिटामोल की टैबलेट होती है, इसको आप, अगर आपको बुखार ज्यादा है तो आप 1.5 टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, अगर आपको बुखार हल्का है तो आप 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, इससे आपका बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये तब तक लेते रहें जब तक आपको बुखार है, आपका बुखार ठीक हो जाए तो ये टैबलेट बंद कर दें। इसके अलावा एक आपको एंटीबायोटिक टैबलेट लेनी बहुत जरूरी होती है, वो एंटीबायोटिक टैबलेट EGC 500 है, जो आपको 5 दिन का कोर्स होता है, रोज एक टैबलेट लेनी है, 5 दिन तक लगातार उस टैबलेट का आप इस्तेमाल करें, इससे आपके अंदर में एंटीबायोटिक आने से आपके अंदर में बॉडी के अंदर काफी स्ट्रेंथ आ जाती है। अभी इसके बाद में ओनली एंड ओनली वन थिंग विच कैन क्योर यू ऑलवेज फ्रॉम एनी वायरस नॉट ओनली कोविड-19। भाइयों और दोस्तों और बहनों, माताओं, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे मार्केट में, यानी कि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर में 3,20,000 से भी ज्यादा वायरसेस हैं जो हमारे आस पास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन हम लोगों का, इंडियंस का स्टैमिना इतना अच्छा है कि वो आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, आपको पता ही चलता कि कौन सा वायरस आया आपके पास, अटैक किया और चला गया। इसके लिए, बट इस टाइप के कोई भी वायरस है, कोविड-19 है या और भी कोई वायरस है, इन सबसे फाइट करने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता है, शील्ड क्या है हमारी। तो आपकी जो शील्ड है वो शील्ड है कंट्रोल ऑफ योर इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी है आपको उसको कंट्रोल करना है। अगर आपकी इम्यूनिटी कंट्रोल में हो जाती है तो ऐसा कोई भी वायरस आए आपको बिल्कुल परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। इन वायरसेस के लिए कोई भी दवाई नहीं है, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस वायरस, ओनली इम्यूनिटी इज द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल दिस थिंग्स। और ये आपके अंदर ही मौजूद है, ये आपका अंदर का जो डॉक्टर है वही इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है कि इस कोविड-19 को आराम से हरा सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके आगे कि हम घर के अंदर में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम कोविड-19 के साथ अच्छे से फाइट कर सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है जो भगवान ने दी है हमको, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, सन रेस। तो सन रेस को, सनलाइट को आप 15 से 20 दिन अवश्य प्रतिदिन कहीं भी बालकोनी में या बेडरूम के साइड के अंदर बैठ के, या जहां पर भी आपको बाहर पार्क में कहीं भी जगह मिल जाती है, तो 15 से 20 मिनट की सुबह की ठंडी ठंडी जो धूप होती है उसका अवश्य इस्तेमाल करें। और उसके बाद में आप गर्म पानी पिए, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्म पानी, हॉट वाटर, नॉट द वार्म वाटर,
हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर, जैसे आप चाय पीते हैं ऐसे आपको 3 कप गर्म पानी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। इसके अलावा आपको नॉर्मल वाटर 1.5 लीटर आपको दिन के अंदर में कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना ही पीना है। हो सके तो उसमें ओएस का घोल डाल लें तो उससे आपको और भी जल्दी अच्छी एनर्जी और इम्यूनिटी आपको अच्छी बूस्टिंग आ जाती है। इसके अलावा तुलसी का अर्क बहुत ही पावरफुल है हमारे इस काम के लिए। तुलसी का अर्क जो होता है 5 ड्रॉप आपने 1 ग्लास में डाल के सुबह और शाम या सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप ले सकते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी में डाल ले तो और भी अच्छा ये काम करता है। इसके अलावा आप विटामिन सी की एक टेबलेट ले सकते हैं, इसको पूरे दिन में आप कभी भी आप चूस सकते हैं। सो ये कुछ एक चीजें थी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको इमिडिएटली रेमेडी मिल सकती है। आइए इसका एक रिव्यू मार लेते हैं जल्दी से फटाफट, फिर आगे चलते हैं। एक हमने सन बात लेना है 15 से 20 मिनट का रोज के लिए। हॉट वाटर 3 टाइम लेना है इन अ डे टाइम। 1.5 लीटर पानी हमें रोज कम से कम पीना है, वो भी हल्का गर्म हो तो ज्यादा अच्छा है। तुलसी का अर्क लेना है 5 ड्रॉप इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर, और ये भी दिन में हमें 3 बार लेना है सुबह दोपहर शाम, और विटामिन सी की टैबलेट लेनी है वंस इन अ डे। सो दोस्तों ये हमारा एक रीकैप है अभी तक का। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम सुपर बूस्टर, ये तो हमारे थे नॉर्मल बूस्टर्स जिससे हमें नॉर्मल जो रूटीन की चीजें हैं तो ताकत मिलती है। अब कुछ हमारे पास सुपर बूस्टर्स भी अवेलेबल हैं। वो सुपर बूस्टर क्या है, जो सुपर बूस्टर मतलब इनसे भी बहुत जबरदस्त पावरफुल है, जो आपको आपके ऊपर ऐसी जबरदस्त शील्ड बना देंगे कि आपको टच भी नहीं कर पाएगा, वो आपके रामबाण क्या है। तो रामबाण सबसे बड़ा है आपका गिलोय। गिलोय एक बहुत बड़ा एक रामबाण है जो आपको क्या करना है। गिलोय इस तरीके से दिखता है, ये उसके पत्ते हैं गिलोय के। इसको आपने जो इसकी जो टहनी है, टहनी काट के आपने पानी में उबाल लेनी है, उसके अंदर में कच्ची हल्दी डाल देनी है, थोड़ी दालचीनी डाल लेनी है, एक आपका कावा बन जाएगा। इस कावे को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप ले सकते हैं, राइट का 2 टाइम या 3 टाइम जितना मर्जी ले लें। इसका आपको पानी भी मिल जाता है मार्केट के अंदर, इसकी बॉटल मिल जाती है गिलोय की, गिलोय की टैबलेट भी मार्केट में मिल जाती है रामदेव वगैरह के यहाँ पर, वो आप टैबलेट और पानी ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड का सबसे सुपर पावर आइटम है, और ये जंगली बेल इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअली में इसका नाम है अमर बेल। इसको अमर बेल का नाम दिया गया है। इट इज वेरी पावरफुल थिंग गिलोय। कृपया करके इसका जितना मैक्सिमम अपने घर के अंदर में इस्तेमाल हो सकता है, बच्चों को बूढ़ों को खास तौर पे इसको जरूर पिलाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाए, उन्हें किसी किस्म की कोई भी बीमारी जो है उनको टच ना करे, कोई वायरस उनको टच ना कर सके। दूसरी आइटम दोस्तों हमारे पास है त्रिफला। तिफला, तिफला होता क्या है, तिफला 3 चीजों का आइटम है, आंवला, अरड़ और भेड़ा, इन तीनों को मिला के तिफला बनाया जाता है। इन तिफला से क्या होता है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में तिफला खाली पेट खाते हैं तो ये तिफला आपको एक अच्छी इम्यूनिटी पैदा करता है। अगर ये तिफला रात को खा लेते हैं सोने से पहले, लास्ट मील की जगह आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पेट भी जो है वो बिल्कुल साफ कर देता है। अगर कब्ज की प्रॉब्लम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो कृपया इसको रात को भी अवश्य सेवन करें, और रात को सुबह दोनों टाइम भी इसका आप सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी सुपर पावर है, बहुत अच्छी आइटम है ये। इसके अलावा आंवला और एलोवेरा, इसका आप जूस दिन के अंदर में सुबह और शाम दो दो ढक्कन आप आधा ग्लास पानी के अंदर में या पौना ग्लास पानी के अंदर डाल के उसका सुबह और शाम को हल्के गुनगुने पानी मिले तो आपको बूस्टिंग जबरदस्त जाती है। आप जितने मर्जी थके हो आपकी बॉडी को एकदम से चार्ज कर देता है। इट इज वेरी पावरफुल। इसके अलावा व्हाट मैक्स यू कैन ईट ऑन रेगुलर बेसिस, तो रोज आपके घर में जो भी खाना बन रहा है, सिंपल फूड जो भी आपके घर में बन रहा है वो आप अच्छे से इंजॉय करें, बिल्कुल परवाह ना करें, बिल्कुल आराम से खाएं पिए। आंवला एज मच एज यू कैन ईट इन एनी शेप, आंवला किसी भी शेप में आप खा सकते हैं, चाहे वो आपको मुरब्बे के शेप में खा लें, चाहे वो आप वैसे कच्चा खा लें, या और भी कोई जो तरीके आपके हैं, या आप उसको वैसे पानी की तरह ले लें, जैसे आप चाहें वैसा ले लें। फ्रूट लें, जो भी खास सुबह थोड़े खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन ज्यादा करें, जैसे मौसमी है, संतरा है, ऐसे जो फ्रूट्स हैं जो इजिली आर्केट में चल रहे होते हैं उनको आप लें। गुड़ का इस्तेमाल करें दोस्तों। गुड़ के अंदर मैं आपको बताऊं, गुड़ 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल गुड़ होता है और एक काला गाढ़ा गुड़। जो गाढ़ा डार्क गुड़ होता है ना, कृपया उसका इस्तेमाल करें। डार्क गुड़ के अंदर में कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं, जो आजकल बहुत ही अच्छे बढ़िया से साफ सुथरे से गुड़ आते हैं उनके अंदर में केमिकल्स मिला होता है, कृपया उनका इस्तेमाल ना करें, वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो गुड़ आपको, कृपया दुकान पे जाके उसको एक ही बोले, भैया मुझे काला गुड़ चाहिए, जितना काला गुड़ लेंगे उतना गुड़ आपके लिए बढ़िया होगा। नेचुरल ऑयल, नो रिफाइंड प्लीज। जो ऑयल है वो बिल्कुल आप नेचुरल लें, उसके अंदर में आप रिफाइंड का इस्तेमाल मत करें। रिफाइंड ऑयल जितने भी हैं वो सबके सब केमिकल से वॉश किए होते हैं, तो कृपया उनका इस्तेमाल ना करें। मिल्क हल्दी, तो दूध के अंदर में आप कच्ची हल्दी को डाल के उसको काढ़ लें, उसको काढ़ने के बाद में आप दोपहर को, सुबह या शाम को जब आपका इच्छा करें, रात को सुनने से पहले अवश्य उसको लें, तो एक अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है, अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि कोरोना से फाइट करने के लिए आपको 5.5 to 8.5 pH की जरूरत होती है, एंड आपको मैं बड़ी हैरानी होगी कि एक केवल मात्र नींबू में 9.9 pH होता है। तो अगर मुझे रोज का 8.5 pH मैक्सिमम चाहिए, तो अगर मैं रोज एक नींबू ले लेता हूँ, लेमन वाटर ले लेता हूँ, तो मेरे लिए वही बहुत पावरफुल है।
तो मैं 9.9 pH ले रहा हूँ। नॉट ओनली दिस, अगर मैं गार्लिक लेता हूँ तो उसमें 13.2 pH है, इसके अलावा अगर मैं मैंगो लेता हूँ तो उसमें 8.7 pH है। तो अगर मैं इस तरीके से आपको बहुत सारी आइटम, पाइन एप्पल्स 12.7, ऑरेंज 9.2, अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो मेरे पास एक मिनट, थोड़ी सी लिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है दिखाने के लिए कि हमारे घर की छोटी छोटी आइटम जो हमारे घर में रूटीन में पड़ी होती है, लेफ्ट राइट पड़ी होती है, जिनकी परवाह नहीं करते हैं, दीज आर द वेरी पावरफुल आइटम्स फॉर यू। इनके अंदर इतना पीएच है जो कोरोना को वैसे ही मिनट से पहले भगा सकता है, आपके पास आने ही नहीं देगा किसी कीमत पे भी। तो कृपया करके इनका इस्तेमाल करें। अब हम क्या करें, आपको एक आम आदमी को रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप अवश्य लेनी चाहिए, उसको घर के अंदर में स्टे करना चाहिए, खासतौर पे बुजुर्गों को घर के अंदर वो जितना हो वो स्टो करें, 60-65 उम्र के ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, इफ और फिर भी उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है, आपको बाहर जाना पड़ता है, तो आप 4 से 6 फीट का कम से कम डिस्टेंस बना के रखें अपने और दूसरे आदमी के बीच में। ऑलवेज 3 प्लाई का मास्क लगा के रखें, कम से कम वॉश योर हैंड आफ्टर 1 और 2 आवर्स फॉर 20 सेकेंड्स, पूरा हाथ वॉश अच्छे से करें, आगे से पीछे से साइड का लगा के 20 सेकेंड के लिए उसको छोड़ दें, उसके बाद उसको पानी से धोएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉक एज मच एज यू कैन। तो आप वॉक करें, अपने घर के अंदर वॉक करें, बालकोनी में वॉक करें, पार्क में वॉक करें, नहीं है बेडरूम के अंदर वॉक करें, बेडरूम के बेड के चारों तरफ घूमना शुरू कर दें, फोन है फोन उठा के घूम के बात करें बजाय बैठ के बात करने के। तो जितना वॉक करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। ब्रीथ एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग के अंदर में कपाल भाती करें, अलोम विलोम करें, तो दीज आर द वेरी गुड एक्सरसाइज जो आपको बहुत अच्छे से आपको क्योर करती है इनसे। अब क्या ना किया जाए, डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर प्लीज, इट इज अ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू, ये एक बहुत जबरदस्त किलर है, एक पॉइजन है आपके लिए। डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर एट एनी कॉस्ट, डू नॉट ईट कोल्ड फूड, डू नॉट ईट मैदा, मैदा इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू पीपल, आपकी बॉडी में जाके वो एज इट इज निकल जाता है, बाहर निकलता है, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता मैदा किसी कीमत पे भी। नो ऑयली थिंग्स प्लीज, लाइक पकौड़ा, भटूरा, ब्रेड पकौड़ा, दीज थिंग्स आर नॉट, डू नॉट ईट देम प्लीज, इनको अभी थोड़े दिन के लिए बिल्कुल दूर कर दें अपने पास से। नो जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, इन चीजों को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें प्लीज, एंड प्लीज नो कोल्ड ड्रिंक, कोई कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट, बी सेफ एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट वेल सून, अगर आप बीमार हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी अच्छे हो जाएं, अगर आप बीमार नहीं हैं तो माता ने आपकी कृपा बना के रखे, आपको जो मैंने चीजें बताई हैं इनका आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें और माता ने कृपा करेगी तो आप और आपके परिवार में कोई भी आदमी बीमार नहीं होगा। तो मेरी से माता ने से यही कृपा है, प्रभु श्री राम से यही कृपा है कि आप सबके ऊपर सबका आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे और सबके सब स्वास्थ्य अच्छे रहें। अगर किसी पे कोई अगर ऐसी कोई चीज आ भी गई है जैसे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आ गई थी, तो आप इस तरीके से फाइट करके उसको सर्वाइव कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।